हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है देवेश और आप देख रहे हो चैनल एक्सप्लेन। तो अभी मैं यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर, जो इंग्लिश के बच्चे हैं उनके लिए आंसर अपलोड करवाने वाला हूँ। तो आप अपना पहले तो कोड मैच कर लेना, ये रहा आपका कोड, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम वाले के लिए करवा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं करूँगा क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे है फिफ्थ। फिफ्थ में लिखा है डिस्कस द पोएटिक जेनरिक एंड स्टाइल थीम्स इमेजिनरी इन द पोएट्री ऑफ सप्पो। तो अभी चलते हैं इसके आंसर पे। तो आपको इसका आंसर देखो यहाँ से लिखना है, स्टार्ट करना है जो सप्पो है यहाँ पे लिखोगे, फिर आपको यहाँ से लिखना है सप्पो इज नोन फॉर हर लिरिक्स पोएट्री, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आप लिखोगे पूरा, तो ये पूरा उतारो जब तक, फिर उसके नीचे से आपको लिखना है लाइन से। और वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है बिल्कुल मत भूलना। हम आपको इसी तरह से एग्जाम्स में हेल्प करवाते रहेंगे। ये सारा आपको लिखना है और इसके साइड में ये जो है कंटेंट, आपको यहाँ से कुछ नहीं लिखना है, ठीक है, यहाँ से लिखना है। और यहाँ पे अगर बात करें, एक चीज़ और मैं बता दूँ, यहाँ पे इन्होंने पूछा था कि उसके जेनर कैसा है। तो जेनर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है लिरिकल पोएट्री, ग्रीक लिरिक है पूरे के पूरे, ठीक है। लैंग्वेज कौन सी है, ये भी एनिशेंट ग्रीक है, ठीक है। तो आप ये सब लिख सकते हो, बस ये दो पॉइंट है, तो यहाँ से ये दो पॉइंट जरूर लिख लेना। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं उसके लाइफ्स की। तो आपको यहाँ से लिखना है उसके लाइफ्स के बारे में, यहाँ से आप लिखोगे इस जगह से। और इसका आंसर आपको यहाँ तक लिखना है, फिर आपको रुक जाना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ से लिखना है, यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे, ये सारा लिखना है आपको। इसको लिखने के बाद फिर आपको स्टॉप हो जाना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ से लिखना है वर्क क्या करती है। तो आपको उसके वर्क के बारे में बताना है यहाँ से। इनिशियंट एडिशन, फिर आपको ये लिखना है और यहाँ तक आपको लिखना है, फिर उसके बाद आपको रुक जाना। आपका आंसर नंबर जो फर्स्ट है वो यहाँ पे खत्म हो जाएगा, सॉरी क्वेश्चन नंबर जो आपका लास्ट वाला जो मैंने बताया वो खत्म हो जाएगा। हाँ फ्रेंड्स, तो अभी मैं बताने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ के बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में लिखा था ब्रदर मैकेनिज्म जो पोएम थी उसके अंदर ट्विंस एंड द हॉलीडे स्प्रिट उनके बारे में जो कॉमेडी जनरेट करी है, तो उसके ऊपर आपको अपने डिस्कसिंग रिगार्डिंग देनी है, ठीक है। तो किस तरह से वो लोग कॉमेडी बनाते हैं, किस तरह से वो जो डिस्कस करा उनके बारे में, पोएम के बारे में, तो उसके आंसर की तरफ चलते हैं। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर लिखना है। पहले ये हेडिंग है जो आपकी नॉवल है, जो आपकी बुक है, ठीक है। देन उसके बाद फिर आपको यहाँ से लिखना चालू करना है, इस जगह से, यहाँ से प्लेटेस्ट से आप लिखोगे पूरा का पूरा। और ये सारा लिखना है नीचे तक। और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि एग्ज़ाम्स में हम हाँ आपकी हेल्प करवा सकें इसी तरह आंसर प्रोवाइड करके। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना फ्रेंड्स तक और चैनल को सब्सक्राइब करने को बोलना। फिर आपको ये पूरा लिखना नीचे, यहाँ पर आके आपको रुक जाना है इस जगह पे। हाँ फ्रेंड्स, तो उसके बाद आपको कहाँ से लिखना है, देखो द आर्ग्यूमेंट्स आप लिखोगे हेडिंग डाल के, फिर आर्ग्यूमेंट्स के आगे आपको ये पॉइंट डालना है द कॉन्फ्लिक्ट्स एंड कंटेंट आर्ग्यूमेंट बिगिन टू मूव अस देयर कंक्लूजन। उनका कंक्लूजन क्या निकला था आपको फिर यहाँ से ये लिखना है, ठीक है। तो आप ये देख लो, नीचे ऑब्स्टेकल्स भी दे रखे हैं इनके, तो नीचे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपको यहाँ तक लिख लेना है, ठीक है, ये सब पॉइंट्स आपको इसी पोएम के बारे में। तो यहाँ पर आपको आंसर जो है पूरा ख़त्म कर देना है, इस जगह पे आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आंसर की तरफ। थैंक यू।